चित्र 16। यीशु मसीह का दुख। यीशु मसीह बहुत अद्भुत काम करीन और बहुत सारा लोग उन को अनुसरण भी करी। वे इन कई लोगों की मदद करी और बहुत सारा लोगों ते वे इन परमेश्वर का बारे में बताए। प्रभु यीशु मसीह इन दुनिया में इले है कि वो लोगों ते परमेश्वर का प्रेम का बारे में बता सको और जो लोग पाप और बुराई में फंसिया छन ऊँ ते परमेश्वर का पास में वापिस ले सको। पर धर्मगुरु और पुरोहित लोग वे देखे जल्द छा किले की ऊँ को झिकड़ो ढूंगू जन कठोर छो और वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करत छा कि वो परमेश्वर की तृपा बटीन आयुच। वो लोग ई बात ते नहीं मरद छा कि उन परमेश्वर को कानून तोड़ी और वो पापी छन और ऊँ लोगुन यीशु मसीह का बारा में झूठ बोली कि वे ते पकड़वाए दी। सैनिकुन वे पर कोड़ा मारिन, वे का मुन में कांटों को ताज रखी और वे को मजाक उड़े। ई बात ते याद रखियां कि यीशु मसीह परमेश्वर को नौन छ और वे में ये सामर्थ्य कि ऊँ लोगों ते ऊ नाश कर दियो। पर वे ऊँ ते नहीं रोकी किले कि वो जानदो छो कि ये परमेश्वर की योजना छ। चित्र 17। यीशु मसीह ते क्रूस पर चढ़ोन। सैनिकों यीशु मसीह ते क्रूस पर कीली ठोकी की लटके दीनी और वे ते उन्हीं छोड़ दीन जब तक वो मरी नीच। ऊ दिनों में इन्हीं रिवाज छो कि जो कोई नियमों ते तोड़ दो छो वे ते इन्हीं प्रकार को सूली पर दंड दिए जान छो। दुई और चोरों ते भी यीशु का अगल बगल सूली पर लटकयू छो पर यीशु तो कोई भी पाप नहीं करी छो। प्रभु यीशु मसीह हमारी सजा ते अपना ऐंच लिए ले छो। हम सप्त पापी छा और वे पाप का कारण हमते मोन भी जरूरी छे। पर प्रभु यीशु मसीह हमारा पापों को ने अपनी जान भी बलिदान करी। पर अगर हम लोग ई बात ते मान लिया कि हम पापी छा और वे की समणी ए कि हम माफी मांग दिया तो वो हमते माफ कर दिलो तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा तो तुम बचाई जौला। चित्र 18। जूंदू होन। यीशु का दुश्मन उन सोची कि उन वे ते नाश करेली परंतु इन निवे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मोना बाद वे का दगड़ी उन वे ते उठे कि एक गुफा रूपी कब्र मर रखिल छो और वे गुफा का द्वार पर उन एक बहुत बड़ू ढूंगू धरेल छो। दुई दिन का बाद तीसरा दिन यीशु मसीह मोरिया में से जूंद वेगी। कुछ कजणी वे का कब्र पर गहनी कि मोना बाद आ रिवाजों ते पूर कर सको। उन गुफा को द्वार पर ढूंगू भी फरक्यूं देखी और उख यीशु की लाश भी निछे। तब दुई स्वर्गदूत ऊँ का सामनी प्रकट हुईनी और ऊँ ते बताए कि यीशु मसीह जूंद च। ऊन बोली कि वो इख नीच वो जूंद वेगी। हाँ वो मोरिया में से जूंद वेगी। हाँ वो सच में परमेश्वर च। यीशु जूंद च और वेन शैतान और मृत्यु दियों पर विजय प्राप्त करीच। चित्र 19। थोमा को विश्वास कन। जूना होना का बाद यीशु मसीह अपना चेलों का सामने प्रकट हुई। वेन ऊ दगड़ी बात करी और खाणू खाई। एक चेला जय को नौ थोमा छो वो उबरी उखुमनी छो। वेन ई बात पर विश्वास नहीं करी कि यीशु मसीह फिर जूंद वेगी। वेन बोली जब तक मैं वे का चोट का निशानों ते नहीं देखूं और वे ते ना छू लूं तब तक मैं ई बात पर विश्वास नहीं करूं कि यीशु मसीह जूंद वेगी। एक हफ्ता बाद यीशु मसीह फिर अपना चेलों का सामने प्रकट हुआई। तब थोमा उबरी उखिमी छो जन की आप ई तस्वीर में देख सकते छा। थोमा यीशु मसीह का खुटू में पोड़ी के बोन लगी मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर। तब यहाँ का बाद थोमन कभी भी प्रभु यीशु मसीह का जूंदा होण में शक नहीं करी। यीशु वे ते बोली तुम्ही पर विश्वास करनी चे कि लय की तीन में ते देखी। पर धन्य छन वो लोग जो मैं पर बिना देखा ही विश्वास कर दन। चित्र 20। स्वर्ग उठाई जान। जूना होना बाद यीशु मसीह बहुत सारे लोगों तक दिखाई दे। 40 दिनों का बाद यीशु मसीह को समय आएगी छो कि वो वापस स्वर्ग चल जाओ। किले की जो काम कनु तय वो ई धरती में आयु छो वो वेन करेल छो। फिर प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों ते बोली कि जावा और सभी देशों में चेला बना और ऊँ ते वो सभी आज्ञा मर्ण सिखा जो मेरी तुम ते दी जा। चेला वे ते दिखनी लग्या छा
कि यीशु मसीह इन धरती ते छोड़ी मथि आकाश की ओर जान लगी और धीरे धीरे वो बादलों का बीच में गायब हुएगी। तुरंत वे का बाद उखुम द्वि स्वर्गदूत प्रकट हुए। उन चेलों ते बोली, जन तुम यीशु मसीह ते जान दिखना चा उन्हें तुम एक दिन वापस हुए ते इन धरती पर आण भी देखला। यीशु मसीह अबरी स्वर्ग मच और उख वो ऊँ लोगों ते जगह तैयार करनु च जुबे पर विश्वास करदन और वे की आज्ञाओं ते मरदन। क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करला और वे को अनुसरण करला? क्या तुम वे मिनो तैयार छे जब वो वापिस औलो? चित्र 21। खाली क्रूस। प्रभु यीशु मसीह इले मोरी कि जो पापी लोग छन वो अपनी सजा से बचाई जौन। यीशु मसीह कभी भी पाप नहीं करी। क्रूस हम ते ई बात याद दिलों दो कि यीशु इले मोरी कि वे पाप ते हमसे दूर ले जाओ जय का कारण हम परमेश्वर से भी दूर हुए छा। यीशु म कोई पाप नहीं छो और वो बिल्कुल पवित्र छो। यीशु परमेश्वर को मेमना छो। वे इन हमारा खातिर अपनो जीवन भी बलिदान करी। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करदा और अपना पापों ते छोड़ देना, परमेश्वर उबरी हमारा सारा पापों ते माफ कर दिंदु। यीशु मसीह हम ते परमेश्वर की संतान बनो दो। और वालो चित्र आप ते ये बात समझण में मदद कर लो कि यीशु मसीह को अनुसरण करना मतलब क्यों होंदु। चित्र 22। द्वि सड़क। प्रभु यीशु मसीह लोगों ते अनंत जीवन का बारे में शिक्षा दीनी। हर कोई पाप का चौड़ा रास्ता बटेन शुरुआत कर दो, किले कि हम सभीों में वो पाप को स्वभाव छ जो हमते आदम बटेन मिलियो चा। बरीक सड़क हमते अनंत जीवन की ओर स्वर्ग तक ले जांदी, जो सड़क परमेश्वर की ओर से हमोकते बनाई छ। यीशु ने बोली कि हमते चौड़ी सड़क छोड़ी बरीक सड़क पर चंचैणु छ। आप ये चित्र में देख सकदा छा कि क्रूस थे बरीक सड़क का शुरुआत में ही लगयूं छ। हम वही सड़क में तब प्रवेश करदा जब हम अपना पापों ते मरदा और अपना पापों ते छोड़ी कि हम यीशु की मृत्यु पर विश्वास करदा। बहुत सारा लोग अपना पाप को जीवन छोड़नों ते तैयार नहीं छन। स्वर्ग को बाटो ऊँकुणे बहुत बरीक छ। ऊँ चौड़ी सड़क में तब तक चना रंदन जब तक वो मौत अर्थात नरक तक नहीं चल जा। आपकी सड़क ते चुनचाना छन। आप अभी परमेश्वर से किले बात नहीं करदा। वे थे बोला, परमेश्वर तू महान छे और पवित्र छे और मैं मणु छो कि मैं पापी छो। मैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास कर दू छो। मैं विश्वास कर दू छो कि मेरा दंड ते यीशु मसीह ले ली। मैं पर कृपा कर और मी ते माफ कर। मेरा पाप से मी ते शुद्ध कर और मी ते अपनी संतान बनाए ली। मैं तेरा पिछने पिछने चलो लू। मैं वे बाटा पर तेरा पिछने पिछने चनचाणु छो जो प्रभु यीशु मसीह हमते दिखे। मोना बाद मैं भी स्वर्ग जान चाणु छो। धन्यवाद प्रभु।